The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are talking about premenstrual syndrome. क्या होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और उसमें क्या होता है फीमेल्स के साथ, आज हम जानेंगे। भाई बहुत कॉमन इशू है, एवरी फीमेल फेसेस सम और दी अदर प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और ये एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स है। इसमें बेसिकली सिम्टम शुरू होते हैं सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 14 दिन जब हो जाते हैं आपके ब्लीडिंग के बाद, ब्लीडिंग होने के बाद 14 दिन के बाद, फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस के बाद, उसके बाद और जब एक्चुअल पीरियड चालू होती है, जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसके कुछ ही दिनों में सिम्टम्स चले जाते हैं। हर एक के अंदर हार्मोन लेवल्स भी इक्वल नहीं होते, किसी के अंदर थोड़े ऊपर किसी के नीचे होते हैं, सो सिम्टम्स भी फिर उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। एंड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में सिम्टम्स आपके कुछ फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, मूड चेंजेस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कल्चरल चेंजेस हो सकते हैं, और ज़्यादातर ये यंग या मिडिल एज में होता है, 20 से 40 साल की फीमेल्स में, और जो लोग जिनको एक बेबी हो रखा है उनको ज़्यादा होता है, और जिनको एक्चुअली अगर कोई भी पहले कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहा है, मान लो कभी कोई डिप्रेशन रहा है या मान लो कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी प्रकार की डिप्रेशन की, तो भी उनको ज़्यादा हो सकता है। और हो क्या क्या सकता है, बहुत वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं, या तो आपके पेट में ब्लोटिंग होगा, गैसी गैसी फील होगा, कभी कभार ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ऐसे ही क्लम्जीनेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, अननेसेसरी इलॉजिकल फूड क्रेविंग हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, नॉइज एंड लाइट इंटॉलरेंस हो सकता है कि भाई मेरे को नहीं बैठना यहाँ पे, अननेसेसरी झगड़े हो सकते हैं घर पे, यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा एक्चुअली रियल फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम, फटीग, राइट, स्लगिशनेस, सब कुछ हो सकता है। देर इज एंजाइटी, ईगरनेस, होपलेसनेस, कभी कभी इरिटेबिलिटी, झगड़े, हॉस्टिलिटी हो सकती है, एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर्स हो सकते हैं, मूड स्विंग तो होती भी सबको पता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर दैट कैन हैपन, जजमेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं, पुअर सेल्फ इमेज हो सकती है, फीलिंग ऑफ गिल्ट हो सकता है, और स्लीप प्रॉब्लम तक आ सकते हैं। सो इतने सारा रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं, इसीलिए एक फीमेल में, एक लेडी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पूछें कि आपको सिम्टम कहीं मेंसेस से रिलेटेड तो नहीं, कहीं मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल सही आ रहे हैं या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई स्पेसिफिक लैब टेस्ट, कोई टेस्ट, कोई जांच नहीं आती जो इसको डायग्नोस कर ले, लेकिन एक हिस्ट्री, सही हिस्ट्री आपको अच्छे से बता सकती है कि ये मेंसेस से रिलेटेड सिम्टम्स ही है। और इस केस में देयर इज अ ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, इसमें आपको भाई साहब खुद को एक डायरी रखनी होगी, डायरी रखनी होगी और 3 महीने का आपका लॉग बनाना होगा, लॉग यानी 3 महीने अपने आप को अपनी डायरी में लिखना होगा क्या सिम्टम आ रहे हैं आपको, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस चीज़ से बढ़ रहे हैं, किस चीज़ से कम हो रहे हैं और कितने देर तक रह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये सुनने में आपको लगेगा ये क्या, लेकिन ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, ये हेल्प करेगा हमें डॉक्टर्स को समझने में कि आपको क्या, कितने सीवियर सिम्टम्स हैं और कौन सी चीज़ इससे एक्चुअली रिलेटेड है, कौन सी नहीं, और कैसे ठीक करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफस्टाइल। अगर आपके पहला स्टेप यही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें होता है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। करोड़ों लोग पानी नहीं पीते सही मात्रा में, लिक्विड जूसेज आपको लेने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स या अल्कोहल्स नहीं लेना है, आपको कैफीनेटेड ड्रिंक्स कम लेनी है, और आपका ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन इससे ही ठीक हो जाएगा। कई बार स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है 3 घंटे तक, राइट, 3 घंटे तक कम से कम आपको कुछ नहीं खाना, उसके बाद ओवर ईटिंग नहीं करनी है, फ्रीक्वेंटली खाना है 3-3, 4-4 घंटे का गैप रख के, बैलेंस डाइट खाना है, यानी कि वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं,
सॉल्ट एंड शुगर कम रखना है, वेरी सिंपल। उसके अलावा आपको B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन, ये तीन चार चीजें हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं। ये एक्चुअली दूध में बहुत अच्छी तरह से, डेयरी प्रोडक्ट में, तो दही या दूध या पनीर अपने लाइफ डाइट में रखना एक अच्छी बात है इस प्रकार के PMS जैसे सिचुएशंस में। और एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, एरोबिक एनएरोबिक आप करोगे पूरे महीने तो आपका सिवियरिटी ही नहीं कम होगी, प्रिवेंशन भी होगा और नेक्स्ट मंथ आपका पीएमएस शायद ना आए या कम सिवियर आए। उसके अलावा आपके नाइट टाइम स्लीपिंग हैबिट जो है उसको ठीक करो। अगर नींद सही से नहीं ले रहे हो तो पीएमएस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। नींद सही से आनी चाहिए, उसके लिए चाहे आप एक्सरसाइज करो या किसी डॉक्टर की हेल्प लो। इसके अलावा अगर आपको दर्द हो रहा है कहीं भी, सर में, बैक में, पेट में, ब्रेस्ट में, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर, दर्द ज़्यादा होने पर आप दवा ले सकते हो, पेन किलर, ब्रोफिन, एनसेड्स, पैरासिटामोल, ऐसी दवाएं, बर्थ कंट्रोल पिल्स अपने आप में ऐसी दवाएं हैं जो भी पीएमएस के सिम्टम्स को या तो कम कर देंगी या बढ़ा देंगी। याद रखिए, क्यों? बिकॉज एक्चुअली ये हॉर्मोन्स है और हॉर्मोन्स में या तो बैलेंस में हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएंगे। सो दैट इज द थिंग। सो बर्थ कंट्रोल पिल कुछ लोगों में बढ़ा सकती है दर्द और ज़्यादातर लोगों में आराम हो जाता है। सीवियर केसेस में आपको अगर मान लीजिए किसी प्रकार का डिप्रेशन आ रहा है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट घुस रहा है, तो ऐसे में फिर साइकोलॉजिकल सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI, एंटी डिप्रेशन जैसी दवाएं भी देनी पड़ सकती और ये भी काफ़ी हेल्पफुल देखी गई हैं। एंटी एनजाइटी मेडिसिन देनी पड़ सकती हैं, आपको देना पड़ सकता है। डायोरेटिक्स अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, वेट गेन है, तो कहने का मतलब यह है कि ट्रीटमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द केस। और इसको समझने के लिए आपको अपने आप की साइकिल को समझना होगा, इसीलिए बनानी होगी डायरी। डायरी बनाओगे तो बेस्ट ट्रीटमेंट कर पाओगे नेक्स्ट 2 to 3 months में। बहुत सारे लोगों को बहुत आसानी से अच्छा रिलीफ मिल जाता है, कुछ लोगों में अगर नहीं रिलीफ हो रहा है तो फिर हमें सिवियर मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। याद रखिए, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स में डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज भी एक कारण है, तो इसको लाइटली, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। तो अगर आपको नहीं ठीक हो रही है आपकी पीएमएस, खुद के ट्रीटमेंट से समझ में नहीं आ रहा है, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको तंग करती है मेंसेस के टाइम पे कि पहले पेरीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स ने हर महीने कुछ दिन अच्छा कुछ दिन बेकार, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, तो फिर उसको ये वीडियो शेयर कर दो। और इफ यू फील लाइक यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ, तब तो भैया इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस, बिकॉज इट्स नथिंग बट इट्स प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, इट्स प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, मगर है ये सिंपल हार्मोनल इंबैलेंस, नथिंग एल्स, नो मेजर प्रॉब्लम, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बहुत इजीली मैनेज हो सकती है अगर आप इसको समझने को तैयार हो और उसके लिए एफर्ट लेने को तैयार हो। जी हाँ, इसका बेसिक इलाज है प्रॉपर बैलेंस लाइफ, बैलेंस पानी, खाना, सिंपल खाना, ज़्यादा बार खाना, ज़्यादा बार चबाना और अच्छी एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना। कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन सब कर नहीं पाते, तो सोच के, लिख के, लिखित में करना शुरू करें और लिखित में अपने सिम्टम्स लिखना शुरू करें। और इसके अलावा एक्चुअल दूसरी बीमारियां रूल आउट करनी ज़रूरी है कि पेट का अल्ट्रासाउंड हो जाए, कोई और चीज़ तो नहीं, कोई सिस्ट तो नहीं, कोई और अपेंडिसाइटिस या कोई ऐसी कोई बीमारी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिसके वजह से दर्द हो रहा, फीवर तो नहीं आ रहा है, CBC कराओ, लिवर किडनी सब ठीक है कि नहीं है, एक बारी टेस्ट होने चाहिए, कहीं बॉडी में मेजर डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसीज, कभी कोई ऐसी चीज़ हो जिसका आपको पता ही ना हो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ के तो नहीं रखा हुआ। सो फीमेल्स में ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, उनके भी इवैल्यूएशन होनी, ये कंप्लीट इवैल्यूएशन जरूरी है, कंप्लीट लाइफ रीओवर चेकअप इंपॉर्टेंट होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प एंड मेक श्योर टू शेयर, लाइक, कमेंट, और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे ऐसी किसी खतरनाक टॉपिक पे। सो अपने टॉपिक्स का सजेशन नीचे जरूर लिखिए और कोई सवाल है तो लिखिए। आई एम डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।